ॐ नमः शिवाय नमस्कार वन्दे देव उमापतिं सुरगुरुं वन्दे जगत्कारणं वन्दे पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशों नाम्पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् वंदे भक्त जनाश्रिय वरदम वंदे शिवम शंकरम नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया आपके साथ मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा दोस्तों कोरोना का समय है ऐसे में आपसे उम्मीद करता हूं आप सब अपने घर पर होंगे और स्वस्थ होंगे लेकिन इस महामारी के बीच आपके साथ क्या अच्छा और क्या सबसे अच्छा होने वाला है आज मैं आपकी राशि के अनुसार आपको बताऊंगा सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की तो मेष राशि वाले मेष राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं कि इस हफ्ते आपको शुभ परिणाम का मिलना संभव है आपका सकारात्मक सोच रहना चाहिए आप लोगों को प्रभावित करने के लिए अपने संचार कौशल का उपयोग करेंगे यदि आप खुद का व्यवसाय कर रहे हैं तो विस्तार योजनाओं को लागू करने के लिए अच्छा समय है आर्थिक लाभ भी होगा और आप भौतिक वस्तुओं पर भी खर्चा करेंगे आपके लिए उपाय है आप नित्य प्रति भगवान सूर्य को अर्घ देते रहें इससे आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा और आपका दिमाग भी स्वस्थ रहेगा अब आते हैं वृसव राशि की तरफ तो बृसव राशि वालों के लिए गणेश जी कहते हैं कि ये हफ्ता आपके लिए उत्कृष्ट परिणामदायक है परीक्षा या प्रतियोगिता के माध्यम से नौकरी की तलाश करने वाले या अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने के इच्छुक लोगों को लगातार प्रयास करने चाहिए और आने वाले समय में आपको सफलता आपको जरूर ही मिलेगी व्यवसाय विस्तार की योजना संभव है आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी पारिवारिक जीवन सामंजस्यपूर्ण होगा और आपके पारिवारिक सदस्यों के बीच भी एकता रहेगी आपके लिए उपाय है ज़्यादातर परिवार के सभी लोग साथ बैठकर भोजन करें और भोजन के बाद में मिष्ठान का प्रयोग जरूर करें इससे आपके परिवार में सामंजस्य बढ़ेगा अब आते हैं मिथुन राशि के मिथुन राशि वालों को ये हफ्ता वित्तीय रूप से आपके लिए बहुत शुभ है और आपको कुछ महत्वपूर्ण लाभ भी मिलने वाला है कोर्ट कचहरी के मामलों में आपको सफलता मिलेगी पेशेवर रूप से आप लोकप्रियता और प्रशंसा हासिल करेंगे व्यक्तिगत संबंधों में खुशी और आनंद मिलेगा आपका जीवन सामाजिक जीवन व्यस्त होगा पारिवारिक जीवन भी ठीक रहेगा आपके लिए उपाय बताते हैं आप गणेश जी को दूरवा और मोदक चढ़ाएं इससे आपको बड़ी ही शांति मिलेगी बड़ी सफलता मिलेगी अब आते हैं कर्क राशि वालों के लिए कर्क राशि वालों को गणेश जी कहते हैं कि इस हफ्ते आप कुछ चुनौतियों का सामना कर सकते हैं लेकिन आखिर में चीजें आपके ही पक्ष में होंगी दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर अपना ध्यान केंद्रित करें और सकारात्मक बातचीत स्थापित करने के लिए कदम उठाएं यदि पैतृक संपत्ति के संबंध में कोई भी लंबित मामला है कोर्ट में विचाराधीन है तो उसे सौहार्दपूर्ण ढंग से हल करने का प्रयास करें दोस्त और परिवार का आपको पूरा सहयोग मिलेगा और आपके लिए उपाय है कि आप बहते हुए दरिया में आटे की गोलियां बनाकर डालें अब आते हैं सिंह राशि तो सिंह राशि वालों को गणेश जी कहते हैं कि आपके धन की वृद्धि और व्यवसायिक स्थिति में उत्थान संभव है आप सभी प्रकार के भौतिक सुखों का आनंद लेंगे आपके रिश्तेदारों को आपका साथ रिश्ता तनाव भरा हो सकता है और आप परिवार के सदस्यों के साथ बहस में पड़ सकते हैं बच्चों की प्रगति आपको खुश रखेगी अपने विरोधियों पर विजय से आपकी संतुष्टि बढ़ेगी आपके लिए उपाय बताते हैं आप भगवान शिव पर नित्य प्रति जल चढ़ाएं और जल में कुछ मिष्ठान डाल के ले जाएं चीनी बतासा कुछ मिष्ठान इस तरह का डालें अब आते हैं कन्या राशि तो कन्या राशि वालों को गणेश जी कहते हैं कि आज से भाग्य आपके पक्ष में होगा आप जटिल समस्याओं का समाधान कर पाएंगे और ऐसे मजबूत संकेत हैं आप एक नए बिजनेस में प्रवेश करेंगे विदेशी संबंधों से आपको बहुत लाभ होगा एक नया जुड़ाव या साझेदारी भी आपकी संभव है पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा और आप दोस्तों और परिवार के साथ किसी मनोरंजक स्थल पर घूमने भी जा सकते हैं पिकनिक में भी जा सकते हैं आपके लिए उपाय है घर से बाहर निकलते समय दही का सेवन करके निकलें अब आते हैं तुला राशि वालों तो तुला राशि वालों को गणेश जी कहते हैं कि आप आर्थिक लाभ के अवसर प्राप्त करेंगे कुछ नए परिचितों से धोखा खाने से बचने के लिए अपने विकल्पों को समझदारी से चुने पारिवारिक जीवन तनाव से भरा हो सकता है लेकिन आपको इस स्थिति से चतुराई से निपटना होगा कुल मिलाकर आज आपको व्यक्तिगत और मौद्रिक मामलों में संतुलन बनाने का प्रयास करना चाहिए आपके लिए हम उपाय बता रहे हैं आप दुर्गा सप्तती का पाठ करें अब आते हैं वृश्चिक राशि वालों।, वालों को वृश्चिक राशि वालों को गणेश जी महाराज कहते हैं कि आज से आपका भाग्य आपका साथ देगा कठिनाइयां समाप्त होंगी और आपके रुके हुए अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे वित्तीय मामलों में आपके लिए व्यवस्थित काम करना फायदेमंद होगा पारिवारिक सदस्यों के बीच पारस्परिक संबंध मधुर रहेंगे शादी जन्म या किसी अन्य शुभ कार्य घर पर कोई मांगलिक कार्य हो सकता है आपके लिए उपाय बता रहे हैं आप श्री राम जी को एक पीला वस्त्र प्रदान करें भगवान राम को मंदिर में जाकर पीला वस्त्र चढ़ाएं अब आते हैं राशि वालों को देखते हैं राशि वालों को गणेश जी महाराज कहते हैं कि आज से आपको कुछ उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ेगा आप बहुत कुछ हासिल करना चाहेंगे लेकिन अगर आपने जल्दबाजी में निर्णय लिए तो आपको नुकसान होगा यात्रा हो सकती है जो मनोरंजक होगी और आनंद भी मिलेगा अपने खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें अपनी जेब को देख चलें आज आप थोड़े भावुक भी हो सकते हैं आपके लिए उपाय है भगवान शनि देव का मंत्र बीज मंत्र ओम प्राम प्रीम प्रोम सह शनिश्चराय जप करते रहे अब आते हैं मकर राशि की तरफ तो मकर राशि वालों को गणेश जी कहते हैं कि आज परिणाम आपके पक्ष में होंगे काम में कुछ उतार चढ़ाव हो सकता है अपने छुपे हुए दुश्मनों से आपको सावधान रहना है जो आपको नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं आपका कोई करीबी आपको भावनात्मक रूप से आहत भी कर सकता है किसी मित्र की सलाह आपको उपयोगी रहेगी आपके लिए उपाय है आप श्वेत आर्क सफेद अकौ के फूल भगवान भोलेनाथ पर चढ़ाए अब आते हैं कुंभ राशि की तरफ तो कुंभ राशि वालों को गणेश जी महाराज कहते हैं कि आज आपको चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है महत्वपूर्ण निर्णय सोच विचार के बाद ही लिया जाना चाहिए आप सामाजिक रूप से सक्रिय रहेंगे और आज कुछ महत्वपूर्ण संपर्क भी आपके स्थापित किए जा सकते हैं आपके लिए किसी प्रियजन का स्वास्थ्य चिंता का कारण बन सकता है आपके लिए उपाय है कि आप अपने शरीर पर तेल का मालिश करके स्नान करें अब आते हैं मीन राशि की तरफ तो मीन राशि वालों आपके लिए गणेश जी महाराज कहते हैं कि आप धार्मिक विचार विचारों वा, वाले होंगे और कुछ पवित्र कर्म करेंगे जिससे आपकी सामाजिक लोकप्रियता बढ़ेगी आपका पारिवारिक जीवन आनंदित रहेगा और आप मानसिक रूप से शांत रहेंगे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपको सहकर्मियों से पूरा समर्थन मिलेगा आपके लिए हम उपाय बताने जा रहे हैं आप बृहस्पतिवार को चने की दाल मंदिर में रखते आपको बहुत शांति मिलेगी तो दोस्तों ये थी आपकी राशि के अनुसार आपकी भविष्यवाणी आपको हमारा शो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें हमें कॉल करें हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पर लगातार चल रहा है और एक बात का विशेष ध्यान रखें आप बिना किसी काम के अपने घर से बाहर ना निकलें सुरक्षित रहें घर पर रहें दो गज की दूरी मास्क है जरूरी और बार बार साबुन से हाथ धोते रहें और दिन में एक बार आयुर्वेदिक कार्य का सेवन अवश्य करें तो दोस्तों ओम नमः शिवाय नमस्कार